थैंक यू वेरी मच ज्योतिरादित्य सिंधिया जी फॉर ज्वाइनिंग आस हिस्टर ऑन टाइम्स नाउ एंड ऑन टाइम्स नाउ नव भारत आर व्यूअर्स आर वॉचिंग दिस शो एब्सोल्यूटली लाइव ऑन टेलीविजन सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद के एयर uh, इंडिया का हैंड ओवर हो चुका है टाटा uh, ग्रुप को कल ये हैंड ओवर हुआ Uh, शायद थोड़ा सा विलंब था क्योंकि ये दिसंबर के अंत तक होना था पर मैं पूछना चाहती हूं कि वॉट इज द वे फॉरवर्ड आगे का रास्ता क्या है एयर इंडिया के लिए क्या लॉसेस की कहानी अब खत्म होगी और क्या एयर इंडिया इस कगार पर है कि वो एक प्रॉफिट मेकिंग एयरलाइन बन सके पहले तो नविका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आ... आ, ये ट्रांजैक्शन संभव हुआ है केवल एक कारण से और वो है हमारे प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति उनका संकल्प कि भारत सरकार का काम एक वातावरण तैनात करने का है जहां व्यापार और बिजनेस फ्लरिश करे और उसी सोच और विचारधारा के आधार पर जिस कम के पिछले चौदह साल के लॉसेस बयासी हजार करोड़ रही थी और जिस कंपनी का डेट करीब करीब एक लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका था उस कंपनी का, का जो बीस करोड़ रुपए का लॉस प्रति दिन का होता था साल का साढ़े सात हजार करोड़ जो आम जनता का पैसा है जो आम हमारे टैक्स पेयर का पैसा है उस पैसा का सुदुपयोग हो ये ना हो कि वो पैसा लॉस आ, आ, बिटाने के लिए इस्तेमाल हो लेकिन उसका सदुपयोग हो शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधोसंरचना के क्षेत्र में इसी विचारधारा के साथ ये आ, सफलता सफलतापूर्वक समाप्त हुआ है मैं बधाई देना चाहता हूं टाटास को आ, एक कंपनी जिनकी जिनका जिसका नेतृत्व और जिसकी बीज उन्होंने बोई थी करीब सत्तर साल पहले आज वह कंपनी वापस आ, उनके घर पे पहुंच चुकी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में उनके नेतृत्व में उनकी सोच विचारधारा के आधार पर उनकी स्ट्रैटेजी के आधार पर ये कंपनी दोबारा हमारे देश के आ, के आसमान को और अंतर्राष्ट्र के आसमान में भी एक पैठ बनाएगी और अपना जगह जरूर आने वाले दिनों में विश्व पटल पर बना पाएगी दित्य सिंधे जी आप अपने दफ्तर में हैं अगर आसपास भीड़ ना हो तो क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि मास्क उतार दें ताकि लोग आपको देख सकें बट कोविड का समय है एहतियात बरतने के लिए अगर आसपास लोग हों आपने पहना हुआ तो इस पर Uh, मुझे कोई दिक्कत नहीं है पर uh, हमारे दर्शक जरूर आपको देखना चाहेंगे uh, uh, लेकिन लेकिन सवाल इस वक्त ये भी पूछना चाह रही हूँ ज्योतिरादित्य uh, सिंध्या जी के uh, आपने कहा एक लाख करोड़ uh, रुपए का डेट और बयासी हजार करोड़ रुपए का लॉस इफ दिस इज द अमाउंट ऑफ लॉसेस दैट डज द गवर्नमेंट प्लान टू रीपे दिस डेट इसका कितना बर्डन आएगा एक्सचेकर पर? और ये जो लॉसेस हैं इसकी भरपाई किस तरह होगी क्योंकि ये तो शायद ट्रांसफर नहीं होगा टाटा बजट पे इसका कितना तो मैं आपको पूर्ण रूप से डेटा आपके समक्ष रखू एयर इंडिया के लॉसेस टोटल मिलाकर करीब पैतालीस हजार करोड़ थे उसके अतिरिक्त उसकी करंट लाइबिलिटीज करीब पंद्रह हजार करोड़ तो आप मान लीजिए इकसठ पैंसठ हजार करोड़ की टोटल लॉस टोटल डेट उस डेट उस ऋण की आ, की बोझ की स्थिति की जो टाटाज ने अठारह हजार करोड़ रुपए का बिड रखा था उसमें से 85 प्रतिशत डेट के प्रति ऋण के प्रति जाएगा तो पंद्रह हजार तीन सौ करोड़ रुपए ऋण के प्रति जाएगा तो वो पंद्रह हजार तीन सौ करोड़ रुपए का ऋण टाटा अपने बुक्स पे लेगी तो सरकार के पास बचेगा करीब पैंतालीस छियालीस हजार करोड़ उस 45 छियालीस हजार करोड़ में से जो हम लोगों के नॉन कॉर एसेट्स हैं एयर इंडिया के जो इस विनिवेश में पार्टी के पास नहीं गए हैं वो नॉन कॉर एसेट्स हमारे एसपीवी में आज भी हैं और उसके सेल के थ्रू जो राशि मिलेगी और जो बाकी 2700 करोड़ रुपए है 18000 का 15 प्रतिशत जो टाटा हमको चेक के समेत देने वाली है वो भी इस ऋण के प्रति जाएगा और मुझे विश्वास है कि इन दोनों विचारधाराओं के आधार पर जो बाकी ऋण है एयर इंडिया की जो आज एसपीवी में चली गई है उस ऋण का भी पूर्ण भुगतान हो पाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया

हरपाई नहीं हुई थी We, तो ये जो 12000 हमने 12 नविका जी ये संक्षिप्त में आपको बता दूं कि जो हमारे जितने भी आ, हमारे एम्प्लॉइज हैं आ, कामगार हैं उनकी आ, हर तरीके से आ, उनकी आ, रखवाली भारत सरकार ने की है चाहे वो मेडिकल बेनिफिट्स की हम बात करें चाहे उनकी ग्रेच्युटी की हम बात करें आ, चाहे आ, जो कमीशन गठित हुई थी उसके आधार पर जो अवार्ड दिया गया था उसके बारे में हम बात करें चाहे उनके पेंशन के हम बात करें और इतना भी कि एक साल तक उन्हें जो कंपनी ने एयर इंडिया को खरीदा है टाटा ने खरीदा है एक साल तक उनकी जॉब सिक्योरिटी पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी मैं पूछ रही हूँ पेंडिंग ड्यूज के बारे में जो पा तो मैं कह रहा हूँ जो जितने भी पेंडिंग ड्यूज भी हैं Uh, उनके uh, वर्तमान के उनके फ्यूचर के मेडिकल बेनिफिट्स भी हैं उनकी ग्रेचुटी उनकी पेंशन की बात है सब पूर्ण रूप से सुरक्षित हमने रख कर ही इस ट्रांजैक्शन uh, को हमने कंप्लीट किया